तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का पीलीभीत जंक्शन से। तो कल था बहुत ही ऐतिहासिक दिन, यानी कि 25 अप्रैल को, जब हमारी लाल कुआं से हावड़ा के लिए समर स्पेशल वाया पीलीभीत से पूरनपुर मैलानी लखीमपुर होते हुए हावड़ा के लिए चलाई गई। उसी कड़ी में आज दूसरे दिन में, यानी कि 26 अप्रैल को, रामनगर से चल के पीलीभीत पूरनपुर मैलानी के रास्ते लखनऊ जंक्शन को जाने वाली गाड़ी का शुभारंभ किया जा रहा है। तो हम अभी आ चुके हैं पीलीभीत जंक्शन पर और आप सभी को दिखाएंगे पीलीभीत जंक्शन से गोला गोकरणनाथ तक गाड़ी संख्या 05043 रामनगर ऐशबाग समर स्पेशल ट्रेन की एक छोटी सी यात्रा। बाकी हाँ, ये है पीलीभीत जंक्शन का बाहर का एरिया, ये रही पीलीभीत जंक्शन की बिल्डिंग और दोपहर का तकरीबन 1:30 बज रहे हैं। और बिल्डिंग दिखाने के साथ साथ अब चलते हैं ट्रेन के आने का समय हो चुका है। तो ये है मेन बिल्डिंग, स्टेशन के अंदर आ चुके हैं। ये है कुछ अंदर का नज़ारा। यहाँ से काफ़ी सारे श्रद्धालु जो हैं माँ पूर्णागिरी दर्शन के लिए यहाँ से टनकपुर की ओर जाते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी का नाम सबसे ऊपर है, आपने देखा। तो ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1, जहाँ पे पीलीभीत जंक्शन से बरेली सिटी की ओर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन खड़ी है और तमाम भीड़ आपको नज़र आ रही होगी। तो हमारी ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ है अभी, प्लेटफॉर्म नंबर 2 से हमारी गाड़ी जो है वो आज आने की संभावना है। तो चलिए चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। तो ये रहा अपनी ट्रेन का डिस्प्ले। तो भाई अब हम आ गए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, जिस पर हमारी गाड़ी आने का संकेत हुआ है। लेकिन उससे पहले सिंगरौली से चल के टनकपुर को जाने वाली गाड़ी, यानी कि त्रिवेणी एक्सप्रेस आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर और उसका डिपार्चर हो चुका है टनकपुर की दिशा में। अब ये गाड़ी टनकपुर जाएगी, तो आप लोग इंजॉय कीजिए इसका डिपार्चर। तकरीबन 7 से 8 साल आप मान लीजिए जब से छोटी लाइन बंद करके बड़ी लाइन का कार्य पूरा हुआ है, तब जाकर आज कहीं विशेष ट्रेनों से ही शुरुआत सही, लेकिन एक सवारी गाड़ी का जो है वो उद्घाटन कल 25 अप्रैल को किया गया। बाकी रेगुलर ट्रेन जो है वो देखना होगा यहाँ पे कब उनका विस्तार होता है। अभी हमारी जो मैलानी और शाहगढ़ तक ट्रेन आ रही हैं, उनका विस्तार पीलीभीत जंक्शन या बरेली सिटी तक नहीं किया जा सका है। अभी सिर्फ समर स्पेशल के रूप में ही यात्रियों को इसकी सौगात दी गई है। लेकिन अभी हमारे जो छोटे स्टेशन्स हैं, हाल्ट हैं, उनको किसी भी तरीके की कोई सुविधा नहीं मिल पाई है। तो रेलवे को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए, पूर्वोत्तर रेलवे को, जब समर स्पेशल ट्रेनें आप चला रहे हैं तो यात्रियों की सुविधा के लिए जो छोटे छोटे हॉल्ट और स्टेशन्स हैं जहाँ पे एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव नहीं होता है, उनके लिए भी कुछ विचार किया जाना चाहिए। और जब पैसेंजर ट्रेन्स भी यहाँ पे अब डालनी चाहिए, क्योंकि सेक्शन जो है वो पूरी तरीके से खुल चुका है और मालगाड़ियों से इसका टेस्ट भी हो चुका है। अब एक्सप्रेस ट्रेनों को भी रफ्तार ट्रेन इस ट्रैक पर मिल रही है। तो ये रही त्रिवेणी एक्सप्रेस। त्रिवेणी एक्सप्रेस के बाद हमारी भी गाड़ी तुरंत आ जाएगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉल के चलते उस गाड़ी का अराइवल तो मैं नहीं ले पाया। बाकी अब इसके बाद आपको ट्रेन में बैठकर सीधा पीलीभीत जंक्शन से डिपार्चर दिखाएंगे। बाकी अराइवल जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉल के चलते मिस हो गया। बाकी पूरी जानकारी आपको इस ट्रेन के बारे में देंगे, हमारी जो रामनगर लखनऊ विशेष ट्रेन है, ट्रेन के अंदर कितनी भीड़ है, क्या कुछ है, सब कुछ दिखाएंगे आपको। बाकी इसी कड़ी में देखिए हमारा डिपार्चर जो है वो पीलीभीत जंक्शन से प्लेटफॉर्म नंबर 2 से हो चुका है। तकरीबन 1 घंटे की देरी से हमारा डिपार्चर हुआ है। बाकी गाड़ियां तो कई सारी जो हैं प्रपोज्ड हैं, बाकी देखते हैं भाई पूर्वोत्तर रेलवे इस सेक्शन पर कितनी ट्रेन जो है वो डालता है और कब तक डालता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सेक्शन पर जो है वो रेगुलर पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत कब से होगी।
ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि अभी समर स्पेशल ट्रेन ही चलाई जा रही हैं। तो अगर आप समर स्पेशल में यात्रा करेंगे तो स्लीपर क्लास का कम से कम आपको मिनिमम किराया जो है मिनिमम वो 365 रुपये देना पड़ेगा। बाकी अब हम बढ़ रहे हैं पीलीभीत से पूरनपुर की दिशा में। और आप जो ये हमारे बाएं हाथ पे जो रूट देख सकते हैं ये रूट चला जाता है टनकपुर की दिशा में, जहाँ पे अभी आपने कुछ देर पहले त्रिवेणी एक्सप्रेस को डिपार्चर में देखा। तो ये लाइन सीधा टनकपुर की ओर निकल जाती है और हम बढ़ जाएंगे पूरनपुर मैलानी वाले रूट में। बाकी यहाँ से आपको पीलीभीत जंक्शन से शाहजहाँपुर, बरेली सिटी, टनकपुर और पूरनपुर के लिए इस तरीके के रूट्स मिल जाएंगे। तो काफ़ी बड़ा जंक्शन है पीलीभीत जंक्शन। और देखिए बात करते करते हम लोग पहुंचने वाले हैं माला रेलवे स्टेशन, जो कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे बहुत समय लग गया क्योंकि जंगल जो था हमारा उसके चलते यहाँ पे वन विभाग की तरफ से NOC मिलने में काफ़ी समय लग गया। अब जब 8 साल बाद हमारा प्रोजेक्ट पूरा हुआ है तब ग्रामीणों में और हमारे जो डेली पैसेंजर्स हैं या जो जिन लोगों की इस रूट पे काफ़ी सारी यादें जुड़ी हुई हैं छोटी लाइन से, उन सभी को एक खुशी का माहौल मिल रहा है। बाकी हम स्किप कर रहे हैं माला रेलवे स्टेशन को मेन लाइन से। बाकी आपको बताते चलें माला फॉरेस्ट जो कि तकरीबन 8 किलोमीटर का है, तो माला फॉरेस्ट के अंतर्गत ट्रेनों को जो है वो 20 की रफ्तार में ही चलाने की अनुमति मिली है। तो इस 8 किलोमीटर के क्षेत्र में ट्रेन जो हैं वो हमारी 20 किलोमीटर की रफ्तार में ही जंगल को स्किप करेंगी। बाकी अब रेलवे को इस रूट पर जल्दी ही रेगुलर पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनों का शुरुआत करनी चाहिए और कुछ लंबी दूरी की भी गाड़ियां या कम से कम एक गाड़ी जो है वो पीलीभीत से आप झांसी की दे सकें तो सबसे बेहतर है, वाया सीतापुर लखनऊ कानपुर होते हुए झांसी की ओर, ताकि जिनको साउथ की ओर दक्षिण की ओर भी जाना है कन्याकुमारी या हमारे रामेश्वरम वगैरह, वह भी आसानी से झांसी जाकर अपनी ट्रेन पकड़ सकें। या कानपुर से भी कई सारे इम्पोर्टेंट रूट्स हैं तो कानपुर से झांसी तक कम जो है कनेक्टिविटी देनी चाहिए। तो इसके बाद आप देखेंगे स्टेशंस और हाल्ट का लगातार स्किप। तो हाल्ट का स्किप दिखाने से पहले बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ यानी कि माला ब्रिज के दर्शन कराते हैं आपको, जहां पर भी काम करने में काफ़ी समय लग गया क्योंकि यहां तक आना ही अपने आप में कठिन कार्य है। तो सामान को लाना और कार्य करना, क्योंकि आप सभी जानते हैं यह टाइगर रिजर्व के अंतर्गत इलाका आता है तो यहाँ पर काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत रही मज़दूरों को, लेकिन अंततः ये सभी कार्य पूरे हुए और आज हम इस रूट पर यात्रा कर पा रहे हैं। बाकी आप सभी बताइएगा अपनी राय, कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए खुला है। ये सेक्शन खुल जाने के बाद आप सभी को कैसा लग रहा है? तो अब हम लोग पहुंचने वाले हैं माला नदी के ऊपर। आप साइन बोर्ड देख सकते हैं माला ब्रिज, और क्या ही ग्रीनरी जो है वो यहाँ पे, क्या ही खूबसूरती हमें नज़र आ रही है। 20 की रफ्तार में हमारी ट्रेन जो है वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रही है। तो ये था माला ब्रिज का नज़ारा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप सभी को कैसा लगा, कोई राय है, सुझाव है, सवाल है तो कमेंट में लिखना ना भूलें। बाकी अब आप देखने वाले हैं थोड़ी ही देर में स्टेशंस का लगातार स्किप। स्किप कैसा लगा ज़रूर बताइए। अभी हम पहुंच रहे हैं संदई हॉल्ट। यहाँ पे जो है वो ट्रेन की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर ही है।
अब इन जैसे छोटे छोटे हॉल्ट्स और जहाँ पे एक्सप्रेस ट्रेन्स नहीं रुकती हैं, अब उन दैनिक यात्रियों को, ग्रामीणों को भी ट्रेन की सुविधा मिलनी चाहिए और जल्द ही इन ट्रेनों का संचालन जो है वो विस्तार है, नई ट्रेनें ना सही तो जो ट्रेन हमारी अभी मैलानी या शाहगढ़ तक आ रही हैं उन ट्रेनों को ही पीलीभीत जंक्शन तक विस्तार दे देना चाहिए, ताकि जो ग्रामीण हैं, जो यहाँ पे गरीब आबादी है, उनको इसका लाभ मिल सके। तो क्योंकि यहाँ से आप अगर कहीं जाते हैं तो जाना ही एक कठिन कार्य है, पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं रहते हैं। ये रही एक छोटी सी बिल्डिंग संदई हॉल्ट की। बाकी रेलवे को जो समर स्पेशल ट्रेन संचालित कर रहा है उनकी प्रायोरिटी को लेकर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि समर स्पेशल ट्रेन जितनी भी चल रही हैं वो हमेशा कभी आपको बहुत ही कम ट्रेन्स होंगी जो ऑन टाइम मिलेंगी, सारी ट्रेनें लेट ही चलती हैं। आप देखिए हॉल्ट और स्टेशंस का स्किप। अभी हम पहुंचने वाले हैं दोस्तों, यानी कि पहुंच गए हैं पूरनपुर रेलवे स्टेशन। और ये है पूरनपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1। और इस गाड़ी की बात कर लें अगर आप, तो सेकंड सीटिंग के भी कोच मिल जाएंगे इसमें, जिसमें आप ऑनलाइन भी रिजर्वेशन कर सकते हैं। और सबसे सस्ता किराया जो है समर स्पेशल में इसी कोच का है, यानी कि सेकंड सीटिंग, जिसका रिजर्वेशन आप ऑनलाइन कर पाएंगे। इसमें आपको नॉन एसी चेयर कार जैसा इंटीरियर मिलता है, जो कि हम आपको आगे दिखाएंगे। उसमें आपकी सीट जो है वो रिजर्व हो जाती है, तो आप आसानी से यात्रा कर सकते हैं कम किराए में। अगर आप किराए की बात करें तो हमने यात्रा की पीलीभीत जंक्शन से गोला गोकर्ण नाथ तक, जिसका किराया 75 रुपये, यानी कि 75 रुपीज़। अगर आप लखनऊ यानी कि ऐशबाग जंक्शन तक जाते हैं तब आपको 120 रुपये देने पड़ेंगे, लेकिन इसमें आपको जो है वो सीट मिलने की गारंटी है, जो मिल जाती है। तो जनरल कोच में काफ़ी ज़्यादा रश होने वाला है आगे चलकर। तो कुछ ऐसी रही पीलीभीत जंक्शन पे भीड़, काफ़ी सारे लोग इस ट्रेन को देखने भी आए हैं, तो कुछ यात्रा करने हैं। ये लंबी ट्रेन है, वो पैसेंजर तो 10-11 डिब्बों की होती है बस। गाड़ी संख्या 50-47 में दुनिया भर तेरा माओ नहीं रुकेगी, मैलानी को भी इसके बाद आगे चल के जो लगातार हॉल्ट्स और स्टेशन हैं उनका स्किप आप सभी को दिखाएंगे। तो हम पहुंच चुके हैं पूरनपुर, अब आपको दिखाते हैं दूसरी तरफ से स्टेशन का नज़ारा। तो ये देखिए, ये है प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ का नज़ारा।
तो दोस्तों अब हम लोग पहुंचने वाले हैं कुर्रिया हाल्ट। इससे पहले जो हमारा 600 से 700 मीटर जंगल पड़ता है, इसके चलते भी हमारा जो है वो मैलानी और शाहगढ़ के बीच में भी काम अटका रहा। यहाँ पे भी एनओसी की ज़रूरत थी जो कि काफ़ी लंबे समय तक अटकी रही। चेन पुलिंग कर दी भाई लग रहा है। तो दोस्तों ये है सेहरा मऊ, जहाँ पे अचानक से इमरजेंसी ब्रेक लगी और गाड़ी रुक गई। शायद रेलवे ट्रैक पे आ गए कोई जानवर या कुछ जो है वो सामने आ गया, जिसके कारण इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ा। उसके बाद फिर हमारा डिपार्चर हो जाता है। इसके बाद दोस्तों हम पहुंच जाते हैं मैलानी जंक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटी लाइन और बड़ी लाइन का संगम आज भी सुचारू रूप से चल रहा है। मैलानी जंक्शन से आपको नानपारा जंक्शन तक बिछिया मीरपुरवा होते हुए कनेक्टिविटी आज भी मिल जाएगी। अभी कुछ समय पहले तक यहाँ से बहराइच तक ट्रेन चला करती थी, लेकिन बहराइच से नानपारा होते हुए नेपालगंज तक छोटी लाइन से बड़ी लाइन यानी अमान परिवर्तन के कार्य के चलते उस रूट को बंद कर दिया गया। तो बाकी ये है मैलानी जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 2 और दूसरी तरफ यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 3, और ये रहा प्लेटफॉर्म नंबर 1 जहाँ पे मैलानी जंक्शन से चलकर गोरखपुर जंक्शन को जाने वाली हमारी गाड़ी संख्या 15,009 और 10 खड़ी हुई है, जो कि शाम को तकरीबन 6:05 पर यहाँ से अपना डिपार्चर लेगी गोरखपुर जंक्शन के लिए। तो देख सकते हैं क्या खूबसूरत नज़ारा। और हम पहुंच रहे हैं मैलानी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। देख सकते हैं यहाँ पे हम सफर लिवरी का कोच लगा हुआ है। बाकी आपको इस ट्रेन के बारे में जानकारी दे दें तो हफ्ते में 2 दिन यानी कि शुक्रवार और शनिवार को रामनगर और ऐशबाग जंक्शन से इसको चलाया जाएगा। बाकी और भी कई सारी ट्रेनें चलाई गई हैं समर स्पेशल के रूप में इस रूट से, जैसे कि हावड़ा लालकुआं, लालकुआं हावड़ा, जो कि लालकुआं से हावड़ा के लिए आपको प्रत्येक सोमवार को प्रत्येक बृहस्पतिवार को, एवं हावड़ा से लालकुआं के लिए आपको प्रत्येक शुक्रवार को ट्रेन मिल जाएगी। बाकी एक और ट्रेन यानी कि लालकुआं से वाराणसी यानी कि बनारस के लिए चलाई गई है, जो कि आपको प्रत्येक सोमवार लालकुआं से एवं प्रत्येक मंगलवार बनारस से मिल जाएगी। तो अभी 3 जोड़ी समर स्पेशल ट्रेनों का संचालन इस रूट से किया गया है। देखते हैं आगे आने वाले समय में कितनी ट्रेन्स मिलती हैं। फिलहाल हमारा डिपार्चर जो है वो मैलानी जंक्शन से हो चुका है। अब इसके बाद हम आपको दिखाते हैं अपने कोच के अंदर का नज़ारा, कितनी क्या भीड़ है, कैसा क्या इंटीरियर है कोच का,
और आप लोग भी यात्रा करना चाहें तो सस्ते किराए में इस कोच में यात्रा कर सकते हैं अपनी सीट रिजर्व करके। एक बार फिर से कहेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपके लाइक से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा नए हैं ऐसे ही वीडियोस इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। तो आप देखिए कोच के अंदर का नज़ारा। तो ये रहा नॉर्मल नॉन एसी चेयर कार, जिसे आप सेकंड सीटिंग के नाम से जानते हैं। 3x3 का कॉम्बिनेशन रहता है दोनों तरफ। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे अंदर का नज़ारा है। चलिए चलते हैं दूसरे कोच में, वो भी सेकंड सीटिंग का ही कोच है, जिसको डी से हम डिनोट करते हैं, D1, D2, D3। तो देखिए कुछ इस तरीके से लोग यहाँ पे देख सकते हैं आप। आज पहला दिन है, कुछ खास भीड़ नहीं है, लेकिन पहले दिन के हिसाब से भी यात्री हैं। बाकी इसमें आपको सेकंड सीटिंग स्लीपर, थर्ड एसी और सेकंड एसी का कोच भी मिल जाएगा। तो आप अपने बजट के हिसाब से यात्रा प्लान कर सकते हैं। बाकी इस बात का विशेष ध्यान रखें, जो हमारी लंबी दूरी के समर स्पेशल ट्रेन हैं उनमें यात्रा से पहले एक बार समय को ध्यान में रखते हुए चलें, क्योंकि समर स्पेशल ट्रेन जो है काफ़ी लेट लतीफ़ी के साथ चलती हैं। हालांकि ये कम दूरी की ट्रेन है, रामनगर ऐशबाग, तो इसमें आप यात्रा कर सकते हैं। थोड़ा बहुत लेट हो सकती है, 1 से 2 घंटे, लेकिन लंबी दूरी की जो ट्रेन हैं उनका तो हाल बेहाल है। तो उनमें यात्रा से पहले एक बार आप ज़रूर सोचें कि यात्रा करनी है कि नहीं। इसी कड़ी में अब हम पहुंच रहे हैं बाकीगंज जंक्शन, इसे हम स्किप करेंगे मेन लाइन से। तो आप लोग स्किप को एंजॉय करिए। तो दोस्तों बाकीगंज स्किप के बाद अब हम लोग पहुंचने वाले हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन, यानी कि गोला गोकर्णनाथ रेलवे स्टेशन। ये आपको प्लेटफॉर्म नंबर 2 यानी कि माल गोदाम की तरफ से नज़ारा दिखा रहे हैं, जिधर से हमारे ट्रक्स जो हैं वो लोडिंग और अनलोडिंग करने के लिए ट्रेन की आते हैं। बाकी अब आपको नज़ारा देख सकते हैं आप सभी। 4:35 हो रहे हैं और अब हम लोग पहुंच रहे हैं गोला गोकर्णनाथ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। तो प्लेटफॉर्म का नज़ारा देखिए, कितनी क्या भीड़ है गोला में ट्रेन में चढ़ने वालों की, ये सब कुछ देखिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। अमृत भारत के तहत यहाँ पे भी कार्य तेज़ी से किए जा रहे हैं। देखिए कोच इंडिकेटिंग सिस्टम लगा लिए गए हैं काफ़ी पहले से, लेकिन अभी इनको चालू नहीं किया गया है। लेकिन मेरा मानना है कि जल्दी ही इनको चालू कर देना चाहिए, क्योंकि जो ताकि कोच की पोजीशन जो है वो लोगों को पता चल सके। टीन शेड को काफ़ी पहले ही हमारे फुट ओवर ब्रिज तक बढ़ा लिया गया है, ताकि बारिश में जो है वो लोग भीगने से बचें। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी टाइल सब लगा ली गई है। तो आप देख सकते हैं आप लोग स्टेशन पे आपको मौजूद नज़र आ रहे होंगे। तो ऐसी कुछ रही आज की यात्रा। यात्रा के बाद आप देखिए यहाँ से ट्रेन का डिपार्चर लखीमपुर की दिशा में। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो में।
तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर।